हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के व्लॉग में। और भाई, अभी जो है मैं हूँ इलाहाबाद में, और भाई इलाहाबाद की एक बहुत ही फेमस जगह पे हूँ मैं यहाँ, और आज का जो व्लॉग है वो यहीं से स्टार्ट होता है। ऑलराइट, तो मैं भी बताता हूँ मैं कहाँ हूँ। मैं हूँ ई टाउन पे, और मैं यहाँ पे आया हूँ भाई बिरयानी खाने। और ये इलाहाबाद की ना सबसे बेस्ट प्लेस है, कबाब पराठा बिरयानी और भी जो डिश है, मुझे पता नहीं और क्या क्या डिश है। हम लोग पर्टिकुलर यही दो डिश खाते हैं यहाँ पे, और भी वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भाई करते हैं ऑर्डर, कुछ मंगाते हैं, खाते हैं भाई यहाँ। मतलब ऐसा सीन है अपना, जब भी हम लोग इलाहाबाद आते हैं तो यहाँ से अगर खा के ना जाए तो हमारा इलाहाबाद आना सफल नहीं हो पाता। तो भाई मंगाते हैं, कुछ खाते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ मैं। ऑलराइट, और ये है भाई ई टाउन बिरयानी, और भाई साहब बहुत ही बड़ा ये, यहाँ से दिख रहा होगा आपको। ले आओ भैया, एक मिनट एक मिनट, ये पकड़ भाई। बोतल लाना पड़ेगा भाई, पानी की बोतल ठंडी होगी। हाँ ठंडी मिली, एक पानी की बोतल और एक छोटी वाली पेप्सी भी ला देना। कोई नहीं कोई नहीं यार। और भाई ये रही बिरयानी, और ये रहे यहाँ के फेमस कबाब पराठे। और भाई बहुत ही अलग टेस्ट है इस बिरयानी का, बहुत ही अलग। और भाई यहाँ पे मेला सा लगा हुआ है खाने का, अंदर लोगों का मेला सा लगा हुआ है। ये देखो भाई, अंदर दिख रहे होंगे आपको बंदे। और भाई यहाँ की जो एक खासियत है वो ये है कि ये जो पीस जो है ना, ये देसी मुर्गे का होता है, और बहुत ही सस्ता है, ऐसा भी नहीं महंगा, बहुत ही सस्ता है ये। लास्ट टाइम हम लोग शायद 50 या 60 रुपए का खाते थे, अभी पता नहीं क्या रेट हुआ होगा, चेक करना पड़ेगा, बट जो भी है बहुत ही सस्ता है। ओ भाई मुंह में पानी आ रहा है, पहले बाइट लेता हूँ मैं। भाई साहब आत्मा तृप्त हो गई। और ये बिरयानी खाने के लिए ना, मतलब स्पेशली मैं 3-4 किलोमीटर चल के आया हूँ, मतलब जहाँ पे था मैं वहाँ से 3-4-5 किलोमीटर दूर है ये। पहले वहीं पे, पहले पास में, पहले दूसरी जगह हुआ करता था ये, तो अब वहाँ से शिफ्ट हो गया है। और लिटरली भाई यहाँ पे मेला लगता है खाने के लिए, चाहे दिन हो या रात हो। तो अभी बिरयानी खाएंगे हम, और फिर खा के मार्केट जाना है ये। और ये रहा कबाब पराठा, उसको भी टेस्ट करके देखते हैं। वैसे तो मैं सिर्फ बिरयानी खाता हूँ यहाँ की, कबाब पराठा खाता है भाई अपना नितिन, इसको पसंद है। कबाब पराठे में भाई सॉलिड मजा आ रहा है, पराठे में ऑयल नहीं है भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है। बाकी जो रेडियो पर देते हैं ना, उनमें ऑयल ही ऑयल रहता है पूरा। तो और यहाँ के पराठे में, मतलब ई टाउन के पराठे में ऑयल नहीं है। ऑलराइट, तो भाई मैं जा रहा हूँ पेट भर के खाने, क्योंकि आज इलाहाबाद में रुकने वाले, कल मिलेगा नहीं, तो पहले पेट भरन दो, उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। A few minutes later. और अभी जो है भाई साहब, मतलब पेट जो है एकदम फुल हो चुका है, मजा आ गया खा के, और क्या ही बताऊं मैं। अब जो है हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं मार्केट के लिए, मार्केट में कुछ काम है अपना खत्म करके, फिर मैं मिलता हूँ आपसे, ठीक है। पहले जा रहे हैं हम लोग मार्केट, मार्केट का काम खत्म करेंगे, और हो सके तो बीच बीच में मिलते रहेंगे। ऑलराइट, 6.5 hours later. अभी जो है जस्ट अभी फ्री हुए हम लोग, और अभी जो है भाई मैं नहाया हूँ, और नहा के बहुत बढ़िया लग रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। और नहाया कहाँ पे हूँ वो भी दिखाता हूँ। सो भाई यहाँ पे नहाया है पब्लिक कन्वीनियंस में, पब्लिक शौचालय में। और भाई इस टाइम जो है मैं हूँ इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पे, ये सामने रेलवे स्टेशन है, और ये जो है यहाँ पे 24 घंटे खुला रहता है शौचालय। सो इसी में, सो भाई इसी में आज नहाना पड़ा, क्योंकि अभी जस्ट मेरे को यहाँ से निकलना है लखनऊ के लिए, टाइम नहीं है बिल्कुल।
सुबह लखनऊ पहुंचना है, सो इसी चक्कर आज होटल में स्टे नहीं कर पाए हम, नहीं तो होटल में अपना नहाते धोते, बट पहुंचना है इसी चक्कर में यहीं आज हमने नहा लिया। और भाई ऐसी ही अपनी लाइफ में ऐसे ही होता है, कभी तो हम 3 स्टार होटल में रहते हैं और कभी नहाने के लिए फ्रेश होने के लिए शौचालय का इस्तेमाल करना पड़ता है। सो लाइफ है। और अभी जो है भाई भूख भी लग चुकी है बहुत ही ज़्यादा, तो अपन यहाँ से कुछ खाएंगे और उसके बाद जो है फिर सीधा निकलेंगे लखनऊ के लिए। तो चलते हैं, ऑलरेडी 12 बज चुके हैं, 12 बजने वाले हैं, 11:30 हो चुके हैं, 12 बजने वाले हैं। और भाई भी अपना नहा के बैठा हुआ है। सो भाई हम लोग मतलब बाहर इतना ट्रैवल करते हैं ना कि हमें सारी चीज़ पता है, कहाँ पे क्या मैनेज करना है, कैसे करना है, कहाँ पे क्या नहीं मिले तो कहाँ जाना है, सब पता है अपने को, सारे जुगाड़ है भाई अपने पास। ये अपने सुनील भाई है और हम लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं। ओहो, टंकी फुल करवाना चाहते हैं। नितिन व्लॉगर है। इससे पहले हमने पेट्रोल डलवाया था ना, पहले तो टंकी फुल करवाई थी, फिर उसके बाद कितने डलवाया था? पहले दिल्ली में टंकी फुल करवाई हमने 3700 रुपए, 3800 कर दो अंकल पूरे। तो फिर उसके बाद पेट्रोल डलवाया हमने, कितने का डलवाया था? 1500 का डलवाया। अब हम इलाहाबाद से वापसी जा रहे हैं लखनऊ, और 3800 रुपए 3800 का फिर पेमेंट हो गया है। 29 लीटर 0.37 अंकल हवा मिल जाएगी क्या? हवा नहीं, देख लो हो तो करवा दो। पिछले एक घंटे से हम लोग चिकन ढूंढ रहे थे लेकिन चिकन तो कहीं मिला नहीं, तो भाई अभी जो है अंडा करी से ही काम चला रहे हैं, तो अंडा करी और रोटी ये भी मिला है तो अपन खाने जा रहे हैं। अब इसी से पेट भरना पड़ेगा और दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। ओ भाई ये है लखनऊ, हम लोग लखनऊ पहुंच चुके हैं। और गाइस आज के जो व्लॉग है उसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, मैं मिलूंगा आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।